सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी जर्सी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी जर्सी जो कि रिलीज हुई थी 22 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 को इस मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी को क्रिटिक्स द्वारा 5 में से 2.5 स्टार्स, सिर्फ 2.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। वही बात करें स्क्रीन काउंट्स की तो इस मूवी को इंडिया में टोटल 2450 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 2450 स्क्रीन्स इंडिया में और इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। यानी कि फिल्म को वर्ल्ड वाइड टोटल 3250 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, 3250 स्क्रीन्स वर्ल्ड वाइड। जर्सी एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है जिसको तेलुगु मूवीज के डायरेक्टर गौतम तिनूरी ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि गौतम तिनूरी वैसे तो तेलुगु मूवीज को डायरेक्ट करते हैं, लेकिन बॉलीवुड मूवी जर्सी के जरिए उन्होंने अपना बॉलीवुड में भी एज अ डायरेक्टर साल 2022 में डेब्यूट किया था। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड मूवी जर्सी साल 2019 में आई तेलुगु मूवी जर्सी का ऑफिशियल रीमेक है और उस मूवी को भी गौतम तिनूरी ने ही डायरेक्ट किया था। अगर हम इस मूवी के राइटर्स बात करें तो इस मूवी के राइटर भी गौतम तिनूरी ही है, जिन्होंने मूवी की स्टोरी भी लिखी, डायलॉग्स भी लिखे एंड साथ ही स्क्रीन प्ले भी किया। बात करें अगर इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो इस मूवी को दिल राजू, अमन गिल एंड साथ ही सूर्य देवरा नागावंशी, इन तीनों ने मिलकर इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। अगर बात की जाए इस मूवी के प्रोडक्शन बैनर्स की तो इस मूवी को दिल राजू प्रोडक्शंस, सितारा एंटरटेनमेंट, अल्लू एंटरटेनमेंट एंड साथ ही ब्रैट फिल्म्स, इन चारों बैनर तले इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। चलिए बात करते हैं इस मूवी के कास्ट यानी कि कलाकारों की, तो मूवी जर्सी के अंदर शाहिद कपूर, पंकज कपूर, मृणाल ठाकुर, ऋतुराज सिंह, विनय वर्मा, सौरभ पांडे, प्रीत कमानी, गीतिका महेंद्रू, अंजुम बत्रा, रुद्राशीष मजूमदार एंड साथ ही रोनित कामरा, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। आपको बता दें कि मूवी के अंदर जो मृणाल ठाकुर का रोल था वो सबसे पहले रश्मिका मंदाना को ऑफर किया गया था, लेकिन किसी रीजन के चलते रश्मिका मंदाना ने ये रोल नहीं किया और तब जाके उनका रोल दिया गया मृणाल ठाकुर को। अगर रश्मिका मंदाना इस मूवी को करती यानी कि जर्सी मूवी को करती तो ये उनकी बॉलीवुड की डेब्यूट मूवी होती, लेकिन रश्मिका मंदाना ने अपना बॉलीवुड में जो डेब्यूट किया था वो गुड बाय मूवी के जरिए किया था। हालांकि वो फिल्म भी साल 2022 में ही रिलीज हुई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक जर्सी मूवी को नहीं देखा है तो आप इसको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। मूवी को नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पर 20 मई 2022 को रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए फाइनली अब हम लोग जर्सी मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, बजट और वर्डिट के बारे में बात करते हैं। तो मूवी ने अपने डे वन पर इंडिया में जो ओपनिंग नेट कलेक्शन किया था वो था 2,93,00,000 रुपए का, 2,93,00,000 रुपीज का। अगर हम फर्स्ट वीकेंड की बात करें यानी कि पहले 3 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे, तो वो हुआ था 12,21,00,000 रुपए का इंडिया का नेट कलेक्शन। अगर हम इंडिया के फर्स्ट वीक पहले 7 दिन के नेट कलेक्शन की बात करें तो वो हुआ था 17,25,00,000 रुपए का, 17,25,00,000 रुपीज का। इंडिया का जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था वो हुआ था 20,85,00,000 रुपीज का, 20,85,00,000 रुपए का। अगर हम इंडिया के लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स GST इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 25 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ का। इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से जर्सी मूवी ने अपना जो लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 5,75,00,000 रुपए का, 5,75,00,000 रुपीज का। और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो था 30,75,00,000 रुपए का, 30,75,00,000 रुपीज का। रही बात बजट, तो आपको बता दें कि जर्सी मूवी 70 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का बजट था 70 करोड़ का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता रहे कि मूवी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाई, मूवी को लॉस का सामना करना पड़ा। यानी कि ये मूवी की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वो है डिजास्टर की। जी हाँ दोस्तों, मूवी जर्सी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।